जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ग्लैमरस। मैं हूँ कस्तूरी। सो गाइस, आज मैं एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक ट्राई करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, जो है गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया भट्ट का जो एक फेमस लुक क्रिएट किया है वो मैं आज क्रिएट करने वाली हूँ। तो कैसा लगता है ये लुक आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर मेरा वीडियोस, मेरा व्लॉग्स आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली गाइस, इससे मुझे अच्छा लगता है। तो चलो गाइस, मेकअप लुक के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मैंने मेरा फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड मैंने टोनर भी अप्लाई कर लिया है। देन अभी मैं फुल लुक क्रिएट करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले मैं मेरा फेस को हाइड्रेट करने के लिए एक मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। इसको मैं पूरी फेस में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, इससे मेरा जो मेकअप बेस है वो अच्छे से सेट होगा एंड मेरा फेस ड्यूईसा ग्लोईसा लगेगा, जैसा आलिया भट्ट का लुक है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्राइमर। यह बहुत अच्छा एक प्राइमर है, बहुत एक इसमें एक शिमरिश सा इफ़ेक्ट आपको देता है। ये स्विस ब्यूटी का है, आप ले सकते हो। अभी मैं मेरा फेस पे जो थोड़ा सा पिगमेंटेशंस का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम्स है, इसको मैं हाइड करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर। इससे मैं मेरा पूरी फेस में जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे मेरा जो सारे पिगमेंटेशन का स्पॉट्स है सब हाइड हो जाएगा एंड मेरा मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। तो इसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ। देख सकते हो सब स्पॉट्स चला गया। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एक मैट्स फाउंडेशन, जो है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, शेड है गोल्डन बेज। इसको मैं मेरा फुल फेस पे पहले अप्लाई कर रही हूँ, फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। नेक पे भी अप्लाई करना मत भूलिएगा। इसको मैं हल्के हाथों से अच्छे से फुल फेस में ब्लेंड कर लूँगी। ये एक मैट फाउंडेशन है, मेरा एक फेवरेट फाउंडेशन है ये, और इसका कवरेज भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है, मुझे ज़्यादा फुल कवरेज भी पसंद नहीं है, मीडियम कवरेज में यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क सर्कल्स में अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा स्माइल लाइंस पे भी, हाइलाइटेड एरियाज में मैं ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से। अभी इसको मैं सेट करूँगी। ये बेस को अच्छे से सेट करने के लिए मैं उस ब्यूटी ब्लेंडर में ही मेकअप फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया है। वो है वेट एंड वाइल्ड का डिम जो इफेक्ट देता है वो फिक्सिंग स्प्रे, उसको मैं लेके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फुल फेस में अप्लाई कर लिया। अभी मैं कर रही हूँ क्रीम कंटोर। इसके लिए मैंने लिया है एक ब्राउन से कलर कंटोर स्टिक, ये है एनवाई बे का। देख सकते हो आप मैं कैसे कर रही हूँ कंटोरिंग। अभी ऐसे करना,
ब्रश की हेल्प से पहले मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ, देन मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है गाइस। ये मेकअप लुक क्रिएट करके बिल्कुल आलिया भट्ट तो नहीं बन सकती हूँ, पर मैं ये लुक मेरे ऊपर ट्राई कर रही हूँ बस। इंस्पायर्ड लुक की मतलब ये है गाइस, जो मतलब एक आप उसकी तरह मेकअप आप ट्राई कर रहे हो, इसका मतलब वो नहीं कि आप आलिया भट्ट बन जाओगे। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप, मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इसको उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ओके, तो देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ पोज का बनाना पाउडर माइड ग्लैम की। ये बहुत ही अच्छा एक HD पाउडर है, इससे इसकी हेल्प से मैं फुल बेस को, मैंने जो जो क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई किया है उसको मैं सेट कर रही हूँ। इसको सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, नहीं तो आपकी मेकअप में क्रीज लाइन आ जा सकता है एंड मेकअप स्टे भी नहीं करेंगे। अभी मैं ले रही हूँ वजन वाइल्ड की कंट्रोल पैलेट, इसमें से जो ब्राउन कलर का शेड है इसकी हेल्प से मैं नोज पे अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा नोज कंट्रोल के लिए। बहुत ही अच्छा एक शेड है, मुझे बहुत ही फेवरेट है ये पैलेट। इसका जो बनाना पाउडर है वो भी बहुत अच्छा है गाइस, ले सकते हो आप। अभी मैं आई मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई मेकअप के लिए बेस के लिए मैंने कंसीलर ही लिया था और उसको सेट कर रही हूँ एक पाउडर के हेल्प से। अभी मैं ले रही हूँ एक ब्लश, मैं ये दो शेड मिक्स करके ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं मेरा आईलिड को एक न्यूट्रल शेड की हेल्प से मैं फुल आईलिड पे ये प्लेस कर रही हूँ न्यूट्रल वाइट शेड। तो यहाँ पे ज़्यादा आई मेकअप नहीं था, बस बोल्ड काजल मुझे दिखा है वही मैं क्रिएट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने डार्क ब्लैक काजल लिया है, उसको पहले मैं वाटर लाइन में लोअर वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ एंड धीरे धीरे इसको बिल्डअप कर रही हूँ। देख सकते हो आप, ये बहुत ही बोल्ड काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसको मैं स्मज नहीं करने वाली हूँ। ये लुक में वो स्मोकी सा इफेक्ट नहीं है, बस बोल्ड एक लुक है। इसको और थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए और ये काजल को लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का स्केच लाइनर। ये बहुत ही अच्छा एक लाइनर है। वो जो मैंने काजल अप्लाई किया है उसके ऊपर ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ धीरे धीरे। आप देख सकते हो इससे जो काजल है ना वो और भी बोल्ड दिखेगा एंड वो लॉक हो जाएगा वो काजल, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ले रही हूँ और इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ छोटे से ब्रश की हेल्प से। और मैंने आईलिड पे थोड़ा सा ब्राउन शेड एंड ब्लैक शेड को मिक्स करके थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है। इससे ज़्यादा मुझे आई मेकअप नहीं लगा है आलिया भट्ट के आईज में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बहुत नहीं किया। वो जो आई मेकअप है वो काजल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसलिए मैंने काजल भी बस अप्लाई कर लिया है। आईब्राउज है मैं यूज़ कर रही हूँ एक आईब्राउ पेंसिल। पहले मैं स्पूली की हेल्प से फुल आईब्रोज को फॉर्म कर लिया है, फिर मैं ड्रॉ कर रही हूँ मेरे आईब्रोज को। आलिया भट्ट के आईब्रोज उतना शार्प आईब्रोज नहीं है, उसका थोड़ा सा मैसी सा आईब्रोज है इस लुक में, मैंने भी वैसे ही रखा है। ज़्यादा शार्प एंड नीट एंड क्लीन वैसा। तो अभी मैं करने जा रही हूँ मस्कारा अप्लाई। इस लुक में कोई भी फॉल्स आईलैश नहीं अप्लाई किया था आलिया ने, मैंने भी नहीं किया है, बस मस्कारा को 2-3 कोट अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक न्यूड सा कलर लिपस्टिक में। गाइस ये है मेरा फाइनल लुक।
कैसा लगा ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर।